आई सेल्फ एल आर सोलंकी सीजीएसएस ऑफिसर। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत एक यूजफुल इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, वो है इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स आपको ईयरली इनकम टैक्स कितना देना है, आप अपने इनकम टैक्स को कितना कैसे बचा सकते हो। लास्ट बार एक नोटिफिकेशन आया था, मतलब लास्ट बजट में, कि 5 लाख तक इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये उसमें आपको देना है या नहीं देना है वह सब मैं आपको बताऊंगा। ग्रोस सैलरी कैसे निकालते हैं, नेट सैलरी कैसे निकालते हैं, सैलरी के रिगार्डिंग मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो सैलरी कैलकुलेशन का वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों बहुत ही यूजफुल होने वाले वीडियो हैं, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे आगे आने वाले रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों इनकम टैक्स के बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा LTC, तो LTC को भी जरूर देखना। इसके अलावा भी हम बहुत वीडियो लेते आएंगे। LTC क्या होता है उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे आप सरकारी पैसों पर घूमने जा सकते हैं, कैसे आप जब घर जाते हो तो सरकारी पैसे आप ले सकते हैं, तो दोस्तों उसको LTC होता है। तो कैसे आप अपने EL को इनकेश कर सकते हैं वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। तो दोस्तों अभी आज अपना वीडियो है इनकम टैक्स। तो सबसे पहले मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि सैलरी कैलकुलेशन, तो सैलरी कैलकुलेशन में आपको यहाँ ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन मैं आप एक नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम्पल लेके, ऐसा नहीं कि नर्सिंग ऑफिसर के लिए ही है, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, इनकम टैक्स जो KV में लगे हुए हैं, PGT, TGT, ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बिजनेसमैन, सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाले वीडियो हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपकी ग्रोस सैलरी आप कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, सपोज एक न्यू नर्सिंग ऑफिसर लगता है उसकी बेसिक सैलरी 44900 होती है, उसके ऊपर HRM मिलता है। मैं जिस सिटी की बात करता हूँ वहाँ का नर्सिंग ऑफिसर दिल्ली एम्स में लगा हुआ है, दिल्ली एम्स की बेसिक सैलरी क्या है, 44900। HRA क्या होगा इसका, रहेगा 24% कितना होगा, 10776। इसके अलावा DA भी इसके ऊपर मिलता है, वो मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से बताया है, 3700 DA, DAVTS 712। ये अगर पूरा डिटेल में चाहिए तो आप मेरी लास्ट क्लास जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और सैलरी ग्रोस बनती है 70500, लमसम बता रहा हूँ, ऐसा एकदम एग्जैक्ट ग्रोस नहीं। अगर एग्जैक्ट ग्रोस चाहिए आपको तो मेरा लास्ट वीडियो देखें। ये आपके हो गए सैलरी 7500, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि आपको ईयरली सैलरी मिलेगी। ठीक है, या एक बार आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें आपका NPS जुड़ेगा। NPS का मतलब क्या होता है कि न्यू पेंशन स्कीम में क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट आपका कॉन्ट्रीब्यूशन करता है 10% किसका करता है, बेसिक प्लस HRA का 10% करता है, सॉरी बेसिक प्लस DA का 10% करता है। तो बेसिक प्लस DA का जो 10% करता है, 10% बेसिक प्लस DA का 10% आपका NPS करता है, तो जितना NPS आपका करता है उसका 4% एक्स्ट्रा, मतलब आपका 10% करता है बेसिक प्लस DA का और गवर्नमेंट मिलाती है 14%। तो अगर मैं अगर एक सिंपली बात करूं, अगर आपका ईयरली अगर 55000 जाता है, क्या 55000 अगर जाता है NPS, तो गवर्नमेंट भी कितनी मिलाएगी, इसका 14%, इसका कितना, मतलब बेसिक का 14%, ये लगभग अराउंड होगा आपका लगभग 80000 के आसपास। अभी अगर न्यू रिक्रूटमेंट 80000 के आसपास, तो 80000 को भी जोड़ दो, जितना है उसको 80000 को भी आप जोड़ दो, तो ये आपकी ग्रोस सैलरी निकल जाएगी। ग्रोस सैलरी देखो 6 72 78 84 91 और 80000 और जोड़ दो, तो ग्रोस आपकी ग्रोस सैलरी है 10 लाख। कितनी है, 21,000, 10 लाख, ये आपकी है ग्रोस सैलरी। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो ध्यान से देखना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपकी ग्रोस सैलरी हो गई, तो सबसे पहले ग्रोस सैलरी में से आपको क्या घटाना है, आपका HRA। बहुत सारे लोग ITR रिटर्न भर लेते हैं, ITR रिटर्न जुलाई अगस्त में जब फॉर्म 16 आता है उनको समझ में भी नहीं आता है, और HRA को मेंशन ही नहीं करते हैं। जब आप अगर HRA मेंशन नहीं करोगे तो आप बहुत बड़ा लॉस खाने वाले हो। देखो HRA में क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस, अगर
ये तीन क्राइटेरिया इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं तब तो एचआर आपको इनकम टैक्स में रिबेट करने की जरूरत नहीं है, वो पूरा बेसिक में से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप बाहर भी रूम लेके रहते हैं वो उसका भी आपको पे करते हैं। देखो सपोज अपन बात करते हैं एचआर की, तो सबसे पहले तो आप एक्चुअल आपको कितना एचआर मिल रहा है, एक्चुअल एचआर। अगर सपोज मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और मुझे मैंने रूम ले रखा है एम्स का ही, मतलब एम्स का क्वार्टर ले रखा है, तब मुझे तो मेरा क्या होगा, ये एक्सेल एचआर है, मतलब मेरा जितना एचआर मेरे को मिल रहा था वो मिलेगा नहीं, तो डायरेक्ट वो इनकम ग्रोस में से निकल जाएगा। सेकेंड जो क्राइटेरिया है 40% तो रहेगा नॉन मेट्रो में और 60% रहेगा मेट्रो सिटी, सॉरी 50% रहेगा मेट्रो में। नॉन मेट्रो, मेट्रो का मतलब क्या होता है, जहाँ 24% है वहाँ तो मतलब जहाँ पे 24% डीए सॉरी एचआर है वहाँ तो 50% किसका, बेसिक का 50% आपको एचआर मिलेगा, आप उसको निकाल सकते हो। थर्ड जो क्राइटेरिया है कि आप कितना रेंट पेड करते हो, रेंट पेड अगर आप रेंट पे रहते हो तो रेंट पेड माइनस 10% बेसिक प्लस डी कि ईयरली, ये ईयरली है। तो देखो वापस देख लो, सबसे पहले तो क्या है एक्चुअल एचआर है, उसके बाद में अपन बात करते हैं आपको जितना एचआर मिलता है उसको पूरा घटा दो। दूसरा है कि 40% और 50%, 40% नॉन मेट्रो में, किस 40% किसका, बेसिक का, 50% मेट्रो में, और थर्ड क्या है रेंट पेड, जितना आप रेंट पेड करते हो उसका 10% बेसिक प्लस डीए घटा दो। तो दोस्तों ये जब इसमें से जो सबसे मिनिमम कम होगा वो आपको अपने सैलरी में से आपको निकाल सकते हैं। जनरली मैं बात करता हूँ, यहाँ पे 10 लाख सैलरी है, ठीक है, मेरे को मंथली कितना मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है, तो अगर मैं मंथली 10,000 मिलता है ईयरली कितना होगा, ईयरली होगा लगभग 125,000। तो अभी मेरी सैलरी कितनी हो गई, 875। इस 875 के बाद में अपन बात करते हैं किसकी, ATC। ATC के अंदर क्या आता है, ATC के अंदर PLI, NPS, LIC, ट्यूशन फीस, PPF और इसके अलावा प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द लोन। इसके अलावा आप अगर पोस्ट ऑफिस में कोई फिक्स करते हैं NSC, जैसे NSC है, और इसके अलावा भी पोस्ट ऑफिस में कुछ करते हैं मिनिमम फाइव ईयर का लॉक पीरियड में या 3 ईयर के लॉक पीरियड में कुछ भी डालते हैं वो ATC में आएगा। ATC के अंदर आपको जो डिबेट मिलती है वो मिलती है 1.5 लाख की। कितनी मिलती है, 1.5 लाख की। अब सपोज इसमें से 875 थे आपके, 875 में से मैं 1.5 और घटा दूँ तो कितने हो जाएंगे, 625, ठीक है, 625,000। इसके बाद में अपन ATC के बाद में अपन बात करते हैं किसकी बात करेंगे, ठीक है, अभी कितना था 625। इस ATC के बाद में अपन बात करते हैं ACD, जितना आपका ACD में क्या जाएगा, जितना NPS गवर्नमेंट ने आपको दिया 40% वो पूरा निकल जाएगा। वो अपने कितना माना था, वो लगभग माना था अराउंड 80,000, तो 80 और निकाल लो तो कितना हो जाएगा, अराउंड आपका रहेगा 545। ये हो गया। इसके बाद में एक और आता है ATC ATD। ATD में क्या होगा कि ये आपका जैसे आप अगर किसी के CGSS कट रहा है, किसी के ESI कट रहा है, किसी के ESS कट रहा है, वो इसमें जाएगा ATD में। लेकिन अगर कोई पर्सन बाहर किसी इंश्योरेंस कंपनी से अगर हेल्थ स्कीम करवाता है तो अपने खुद के लिए 25,000 कर सकता है और दूसरों के लिए अपनी फैमिली के लिए कितना, 30,000 तक कर सकता है, मतलब मैक्सिमम 30,000 तक। तो 30,000 तक 30,000 इसमें से निकाल लो आप, तो 30,000 निकालोगे तो कितने हो जाएंगे, 5,15,000। इसके बाद में अपन और बात करते हैं ATD के बाद में अपन बात करते हैं ATTTA। इसके अलावा अपन बात करते हैं लोन इंटरेस्ट। बहुत सारे लोगों को पता है कि जिसने लोन लिया लोन से अपने क्या बेनिफिट है, अगर आप लोन लेते हो तो लोन का जो इंटरेस्ट है ईयरली 2 लाख तक, मैक्सिमम 2 लाख तक आप इसको इनकम टैक्स में से घटा सकते हैं ये आपका लोन को। इसके बाद में अपन और बात करते हैं कि ATE, अगर हायर एजुकेशन अलाउंस, अगर आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए आप हायर एजुकेशन अलाउंस लेते हैं या अपने खुद के लिए, तो वो आपको ATE में मिलेगा। इस किस कौन किस में ATE। इसके बाद में अपन बात करते हैं ATG।
अगर किसी को आप एनजीओ को एनपीओ को अगर डोनेशन करते हैं तो किस में जाएगा, एटीजी में, लेकिन उसकी आपको रिसिप्ट लगानी पड़ेगी, उसकी आपको क्या लगानी पड़ेगी, रिसिप्ट। इसके बाद में अपन बात कर, एटीजी की बात हो गई, एटीजी के बाद में बहुत दो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है, एटीजीजी ए और एटीजीजीसी। अगर किसी भी पॉलिटिक, आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टी के संदा कहां से आते हैं, लोग क्यों देते, उसका कारण समझना आप। एटीजीसी में क्या होता है कि आप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप दोगे तो वो आपका माइनस हो जाएगा, उसका 50% भी माइनस हो सकता है, 100% भी माइनस हो सकता है, अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल पार्टी। एक होता है एटीजीजीए, जीजीएम क्या होता है, अगर जो गांव से बिलोंग करते हैं और आपने रूरल डेवलपमेंट, अपने गांव के डेवलपमेंट के लिए भी अगर कुछ अमाउंट दिया है तो वो भी एटीजीजीए में माइनस हो जाएगा। इसके बाद में अपन और सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं सेक्शन एटीयू, ये बहुत काम का चीज है सबके लिए। एटीयू काम के लिए कैसे, अगर सपोज मैं हूं, अगर मेरी फैमिली या मेरे भाई, मेरे को सिस्टर जो विकलांग है या किसी मेंटल प्रॉब्लम में है, ठीक है, मतलब डिसेबल है, तो उसमें एटीयू में क्या, उसको 50,000 का एक्स्ट्रा उसको मिलेगा। लेकिन अगर किसी का मतलब डिपेंडेंट उससे भी ज्यादा है, सीवियर है, तो उस कंडीशन में एक लाख तक आपको 1 लाख का रिबेट मिल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका होगा इनकम टैक्स। अभी मैं आपको बता दूं आपको इनकम टैक्स एक्चुअल कटता कैसे। देखो सपोज अपन बात करते हैं कि 0 से 2.5 लाख तक आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 21,000, 22,000 लाख, 0 से 2.5 लाख तक आपको इनकम टैक्स 0, 2.5 लाख से डायरेक्ट 2.5 पे लिख रहा हूँ, 2.5L से 5L तक आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा 5%, कितना 5%, 5 लाख से 10 लाख तक आपको देना पड़ेगा 10%, ठीक है, सॉरी 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%, ये आपका हो गया इनकम टैक्स। लेकिन एक कोई पर्सन है कि सर मेरी ग्रोथ सैलरी 6.5 लाख है, कितनी है 6.5, तो मुझे कितना बढ़ना पड़ेगा इनकम टैक्स। अगर किसी की ग्रोथ सैलरी 6.5 लाख है और वो अपना सपोज एटीसी के अंदर इसको यूज कर लेता 1.5 लाख, तो अब ग्रोथ कितना हो जाएगा 5 लाख हो जाएगा। अब अपन और बात करके 5 लाख हो गया, तो एटीसी में कितना यूज डेड किया तो 5 हो गया। अब अगर 0 से 2.5 से 5 तक तो अपने कितना बोला था 5 बोला था, लेकिन देखो ध्यान से समझना, और फिर वो हेल्थ में भी कुछ दे रहा 10,000 हेल्थ में दे तो कितना 4.90। तो इस कंडीशन में उसको एक भी इनकम टैक्स रुपए देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बजट 2019 जो लास्ट जो बजट आया था उसमें बोला था कि जिसकी सेविंग करने के बाद में जिसकी सैलरी 5 लाख और 5 लाख से नीचे है उसको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर मैं एक दूसरे एम्प्लॉय की बात करूं कि सपोज मेरी बात करूं, मेरी सैलरी 9 लाख है, ठीक है 9 लाख, सपोज मेरी सैलरी 9 लाख है, अगर 9 लाख मेरी सैलरी है और मेरी 1.5 लाख उसमें गए, किसमें गए आपको एटीसी में, इसके बाद बच जाएंगे 6.5, कितना 7.5 बच जाएगा। इसके बाद में और मैं कुछ सपोज ये लोन इंटरेस्ट ऐसे करके और मैं और निकाल सकता हूँ। और दोस्तों इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताना भूल गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपका माइनस होगा। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना, लास्ट ईयर तक 40,000 था, लेकिन लास्ट ईयर बजट में इसको बढ़ा के 50,000 कर दिया। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, जैसे जो बिजनेसमैन है वो पेन एन ऐसा कुछ खरीदते तो वो तो डायरेक्ट लिख लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इसके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन, जैसे TA जो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है उसके लिए आपको उसके लिए अलग से स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया है, वो 50,000 का दिया है, ठीक है। इसके अलावा आप जो PT जो प्रोफेशनल टैक्स भरते वो भी माइनस हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो वॉशिंग अलाउंस है, क्योंकि आप कपड़े तो रोज के रोज धोओगे तो वॉशिंग अलाउंस भी आपका माइनस हो जाएगा। तो सपोज मैं बात करता हूँ कि ये 7.5 हो गया, इसके बाद में 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के निकल जाओगे तो 7 लाख हो जाएगा। इसके बाद में वॉशिंग अलाउंस मेरा कितना मंथली 1800, तो ईयरली कितना हो जाएगा 21,000 हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका PT है वो PT कितना था, ईयरली 2,500 रुपये, ऐसे मिला के 25,000 और निकाल लो तो कितना हो जाएगा 6.75।
सपोज मैं यहीं तक बात करूं, मेरी सैलरी इतनी है, तो अब मेरा इनकम टैक्स कितना कटेगा, तो ध्यान से देखना कि देखो 2.5 लाख तक मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 2.5 लाख तो कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, तो 2.5 लाख और निकाल लो, 2.5 और निकल गए, अभी कितना बच गया, 5, 2, 4। अब इसके बाद में अपन बात करते कि 2.5 से 5 तक कितना है, 2.5 से 5 तक कितना है, 5%, तो और 2.5 लाख निकाल लो, और अगर 2.5 लाख निकाल लिया तो अब कितना बच जाएगा, 1.75 लाख बच जाएगा, और इस 2.5 लाख का 5% कितना होगा, 1200 रुपये। अभी अपन बात करते 1.75 लाख का कितना 20% लगेगा, क्योंकि 5 लाख से ऊपर का कितना लगेगा, 20%, तो इसका 20% कितना होगा, 1% इसका अगर सपोज बोलते अपन 17,500 हो रहा है, तो 20% कितना होगा, 35,000 के आसपास होगा, तो आपका टोटल जो इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 47,500, मतलब 47,500 के आसपास। तो दोस्तों और भी अगर आपको इनकम टैक्स के रिलेवेंट अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपको इसकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इनकम टैक्स की जो आपकी सेविंग है आपको फेब तक करनी है, बहुत सारे लोगों के माइंड में रहता है कि नहीं हमको तो मार्च तक, मतलब मार्च तक कैलकुलेशन होगी, मार्च तक कैलकुलेशन इसलिए नहीं होती है कि जो आपको मार्च की जो सैलरी मिलती है वो अप्रैल में मिलती है, कभी भी मार्च किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मार्च की सैलरी मार्च में कभी नहीं आती है, मार्च की सैलरी आएगी 1 या 2 अप्रैल को, और अप्रैल की भी सैलरी अप्रैल में आएगी, तो मार्च और अप्रैल की दोनों की सैलरी अप्रैल में आती है, तो सैलरी जो आपका टोटल ग्रोथ जो कैलकुलेशन होगा वो 28 या 29 फेब तक ही होता है, ठीक है दोस्तों। और भी आपको अगर इसके रिलेवेंट कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि और वो दोस्तों एक और बहुत सारे कि फॉर्म 16 क्या होता है तो वो भी देख लो, कि जो आप जो आपका एम्प्लॉय है, ठीक है, जैसे आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते हो, जिस एडमिन के अंडर काम करते हो, तो वो आपको जुलाई में, जून जुलाई में फॉर्म 16 देके कि भाई ईयरली हमने इतना, आप हमारी तरफ से इतना इनकम टैक्स काटा है, ऐसे ऐसे काटा, पूरा वो फॉर्म 16 आता है, ठीक है। उसके बाद में जुलाई में आपको 31 जुलाई, मैक्सिमम 31 जुलाई, और कभी कभी डेट बढ़ा के 31 अगस्त तक आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है। इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कब बताऊंगा, जब आपके पढ़ने का टाइम आएगा तब। आपको इनकम टैक्स रिटर्न कब भरना होता है, वो भरना होता है जुलाई अगस्त में, और रिफंड कब मिलता है, रिफंड मिलता है आपको सितंबर में, ठीक है। जनरली आजकल इतना प्रोसेस फास्ट हो गया कि एक मंथ में मिल जाता है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी की अगर ग्रोथ सैलरी है उसको अगर कैलकुलेशन निकाला नहीं आता है तो हाँ, जो आपका जो इनकम टैक्स लगता है ना उसके ऊपर चार्ज भी लगता है, एजुकेशन चार्ज 4% लगता है, तो वो भी कैलकुलेशन हो जाएगा, उसका तो कोई इशू नहीं रहता है, लेकिन जो रिफंड मिलेगा उसमें भी वापस मिलेगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।